ईंट ढोने वाला कौन कौन? ये गधा भी घर के सामने नहीं है, फिर भी इतराता है व्यक्ति। क्या करे क्या करे क्या करे, ये मान कसाय है ही ऐसी जहरीली, जो एक बार तुम्हें एक बार पूजा प्रशंसा ख्याति आदि के खाई में गिरा देगी, पुनः तुम्हें संभलने का मौका मिलेगा ही नहीं। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। पढ़ते हैं 122 नंबर की गाथा में भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे। मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, जो लिखा है मंगलम जी में पढ़ के सुनाता हूँ, वो तो तीर्थंकर की परमपिता की पाती है, पत्र है, आपको सुनाता हूँ, आप पढ़ नहीं पाते हो, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, जो है उन्होंने लिखा है, पढ़ते हैं। खाई पूजा लाहम सकाराई किमि छसे जोई, इच्छसि जदि परलोयम तेहिं किं तुच्छ परलोयम। पढ़ लो अच्छे से, इस श्लोक को पढ़ लो, श्लोक और इस श्लोक, इस श्लोक बोलते ना, इस श्लोक, इस श्लोक को पढ़ लो, इस श्लोक को पढ़ लो तो ही परलोक बढ़ लो। इस श्लोक पढ़ लो और परलोक बढ़ लो। अगर परलोक की और बढ़ना है तो इस श्लोक को पढ़ना सीखो। इस लोकेशना से बचते हुए हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मान सम्मान पूजा ख्याति प्रशंसा लाभ आदि के लिए अगर तू कर रहा है, तो तेरा दोनों लोक तेरे हाथ से छूट गया। जोई पढ़ो, जोई हे योगी, हे योगी, हे साधु, हे मुनि। माँ ये सुन के खुश मत हो जाना, महाराज तो योगी के लिए कह रहे हैं। जब साधु की दुर्दशा ऐसी हो सकती है, फिर तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, विचार कर लेना। हे जोई, हे योगी, जई परी लोयम इच्छति, अगर परलोक में अपना कल्याण चाहते हो, आत्मा का कल्याण चाहते हो, तो तू ये क्या कर रहा है? मेरा नाम, मेरी पटिया, मेरा क्षेत्र, मेरा नगर, मेरा अमोक, मेरा मंदिर, ये नाम के लिए जी रहा है? पूजा प्रशंसा ख्याति नहीं, तू समाज के नमोस्तु करने के लिए तूने दीक्षा नहीं ली है? किसी तुम्हारा नाम बोल दे, कोई तुम्हारा जयकारा बोल दे, इसलिए तूने दिगंबर दीक्षा धारण नहीं की है? तू तो आत्म कल्याण के लिए, परलोक के कल्याण के लिए अगर दीक्षा ली है, तो इन सभी बातों को छोड़कर ये गहरा निर्णय कर, खाई पूजा लाहम, ये ख्याति, ये पूजा, ये लाभ, सत्काराई, सत्कार, प्रतिष्ठा, सम्मान, आई आई यानी आदि 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 जितने भी समानार्थी शब्द है, चाहे आप वह सहज लपटी तलवार चलाते हुए कह देना। गोधा जी कहते, महाराज जी ठीक है, हम अभिमान नहीं करेंगे, पर जैन बनने का स्वाभिमान तो होना चाहिए। यानी चाहे स्वाभिमान हो अभिमान हो, वह मान कसाय की ही परिणति है। क्या करे, सुंदर 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 बाहर के पैकिंग हमने कर लिए हैं, वेस्टर्न बदल दिए हैं, पैकिंग बदलने से अंदर का मल बदलने वाला नहीं है, मन बदलने वाला नहीं है, मल भी नहीं और मन भी बदलने वाला नहीं है। थोड़ा सा विचार करो, जब साधु को कहा जा सकता है, फिर श्रावकों श्रावकों की क्या स्थिति होगी? यहाँ मुख्यता से साधु को कह रहे हैं, तूने इतना महान भेष धारण कर लिया, तुम्हारे सामने दुनिया नतमस्तक हो रही है, अरहंत सिद्ध के समान तेरी पूजा हो रही है,
जो श्रावक अपने घर में अपने बच्चों को, परिवारों को, अतिथियों को नहीं खिलाता है, उससे भी कई सुरक्षा श्रेष्ठ द्रव्य तुम्हारे लिए बनाकर वह तुम्हारा भोजन, तुम्हारे आहार कराता है। तू कहाँ डूब रहा है? क्यों प्रशंसा की चाह कर रहा है? तेरी ये दिगंबरी दीक्षा मात्र नमोस्तु कहलाने करवाने के लिए नहीं थी, कहीं नाम टंगवाने के लिए नहीं थी, राग द्वेष करने कराने के लिए नहीं मिली थी। तुम्हें तो आत्म कल्याण करना था, और संभव था तो दूसरे को कल्याण का उपदेश देना था, तो दूसरे के कल्याण के उपदेश में, दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपना कितना हित कर रहा है, अपना कितना हित कर रहा है, थोड़ा विचार कर। नाम की ये भूख कभी आज तक किसी की मिटी ही नहीं है। जितनों ने नाम, प्रशंसा, पूजा प्राप्त करने का प्रयास किया, उनकी पर्याय तो समाप्त हो गई, पर चाह समाप्त नहीं हुई। चाह समाप्त नहीं हुई। मैं छोटा सा प्रश्न पूछूं सत्यन जी, 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं क्रम से? बिल्कुल। 24 वर्तमान के, भूत के, भविष्य के? क्यों, आप तो 24 ही में पूजा करते हैं ना, तो वहाँ तो भूत भविष्य के भी आपको नाम याद होने चाहिए। 24 तीर्थंकरों के, भूत के, भविष्य के, माताओं आपको याद है? नहीं है? वर्तमान के? आज से ऐसे भी जीव हैं जिनको वर्तमान के भी याद नहीं है। हाँ है, ऐसे भी है। बच्चों की नहीं, बच्चों की तो चली रही है कक्षा, है वो तो पढ़ ही लेंगे, पर बड़ों को भी नहीं पता। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तीर्थंकर सामान्य थे? बोलो ना, तीर्थंकर सामान्य थे, ऐरे गैरे थे, ऐसे ही थे? जो धर्म तीर्थ को चलाते हुए, जिन्होंने इस तीर्थ को चलाया और जहाँ उनका जन्म भी हुआ था, यानी जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक आदि हुआ था, वो किसी गरीब दरिद्री के घर में कहाँ कहाँ हुआ था? गरीब के घर में? किसी दरिद्री के घर में नहीं। महलों में जिनका जन्म हुआ था, राजा महाराजा के घर में जिनका जन्म हुआ था, तो उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा? 84 खंड के जिनके महल होते थे, वो चक्रवर्ती, वह तीर्थंकर, उनके नाम याद है? तीर्थंकर के भी याद है। मैं पूछता हूँ, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, महापुरुष, सलाखा पुरुष, कितनों के याद है? वे तो मोक्षगामी हैं, प्रमाण पत्र है आगम में, उनके तक नाम आपको याद नहीं है। हर आपका नाम मंगलम जी याद रखेगा? आपका नाम कौन याद रखेगा? जब भूत भविष्य के वर्तमान के तीर्थंकर हमें याद नहीं है, वे 63 सलाका पुरुष व महापुरुषों की संख्या तक हमें याद नहीं है, मेरा नाम कौन याद करेगा? हे सुप्रभ सागर, तुम्हें कौन कब तक याद रखेगा? क्यों नाम के पीछे दौड़ रहा है? क्यों प्रशंसा और पूजा सम्मान के पीछे दौड़ रहा है? अरे कुछ वर्षों में ही तेरा नाम भूल जाएंगे। कुछ वर्षों में क्या, अगले साल चौमासा हो जाएगा तो उज्जैन वाले कहेंगे, कौन सुप्रभ सागर? अच्छा वो तो पिछले साल के हैं। हाँ सत्यता है। अरे तीर्थंकर को भूल गए लोग, मैं किस खेत की मूली? भूत के तीर्थंकर याद नहीं, वर्तमान के तीर्थंकर याद नहीं है, मैं कहाँ से याद रहने वाला हूँ? हे साधु, ये इस चक्कर में मत पड़ कि मेरा नाम, मेरा पटिया और मेरी प्रशंसा सर्वत्र होती रहे। हम कहते जरूर है, तीन लोक के नाथ, तीन लोक के नाथ, पर तीन लोक के नाथ भी तीन लोक में सभी लोग उन्हें पूछते? बोलो ना, नहीं पूछते। मिथ्या दृष्टि पूछता है? नारकी पूजने पहुंचते हैं? नहीं। कहा जाता है उपलक्षण से, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के नाथ, पर उनको नहीं मानते, उनको नहीं पूछते, उनका नाम नहीं है याद। मेरा कौन याद रखेगा? मेरा कौन याद रखेगा?
इसलिए हे योगी, हे धर्मात्मा, तुमने धर्म किया है तो धर्म ही कर, मान नाम प्रशंसा के लिए मत जी। नाम का उल्टा कर दो मान है, और मान का उल्टा कर दो नाम है। सोचो विचार करो, सोचो विचार करो, निर्णय करो, हमें करना क्या है। जिन जिन जीवों की इस पर्याय में आत्मबुद्धि है, पर्याय में आत्मबुद्धि है, वही मान सम्मान प्रतिष्ठा पूजा ख्याति आदि आदि के पीछे दौड़ रहा है। हे जोगी, हे योगी, हे साधु, अगर तू आत्म कल्याण चाहता है, परलोक में कल्याण की इच्छा करता है, तो ये ख्याति, ये पूजा, ये सत्कार, ये लाभ, ये प्रशंसा किमिच्छ से क्यों इच्छा करता है, क्यों इच्छा करता है? दोनों में से एक की इच्छा करना। अगर तू आज ही अपने पुण्य को, अपने धर्म को, अपने ईमान को, अपने सबको बेचना ही चाहता है, तो फिर अगली पर्याय में तू FD बनाकर उसका ब्याज क्या प्राप्त करेगा? और अगली पर्याय में आने वाले दिनों में तुम्हें वह FD पर ब्याज चाहिए, तो पहले FD के लिए मूल भी तो जमा कर। आज तू मूल ही खा रहा है, मूल का ही सेवन कर रहा है, पुण्य ही जो पिछली पर्याय में मिला है उस बासी पुण्य को खा रहा है, आगे के लिए तुम कुछ डिपॉजिट कर ही नहीं रहे हो, क्या आगे की भावना रखेगा? किमिच्छ से किसकी इच्छा कर रहा है, क्यों इच्छा करता है? फिर आगे की इच्छा ही छोड़ दे, आगे की इच्छा छोड़ दे कि आज की इच्छा छोड़ दे, दोनों में से काम एक होगा, दोनों में से काम एक होगा। अगर आगे का भव सुधारना चाहते हो, आगे का कल्याण चाहते हो, तो आज तुम्हें इनसे विराम लेना होगा, इनसे विराम लेना होगा। किम तेहिम तुझ परलोयम, और अगर तू वर्तमान में ही इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता है, मान सम्मान प्रशंसा वाहवा माला आदि प्राप्त करना चाहता है, तो उससे तुझे परलोक कैसे मिलेगा? परलोक यानी अच्छा लोग, उत्कृष्ट लोग, आत्मलोक, वह कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो मान पूजा सम्मान ख्याति आदि के चक्कर में अपनी श्रद्धा, अपने ज्ञान, अपने चारित्र को टोक तोड़ तोड़ कर रख रहा है, क्या बचा? जिसकी श्रद्धा ही नहीं बची, वो क्या कर पाएगा? चारित्र फिर भी छोड़ जाए, सम्यक दर्शन के सद्भाव में पुनः प्रकट हो सकता है, पर सम्यक दर्शन छूट गया, सब छूट गया, श्रद्धा टूट गई, टूट गई, सब टूट गई। संभालो अपने श्रद्धा को, अपने आप को संभालो। थोड़े से माँ एक पर्याय के मान सम्मान के पीछे, एक पर्याय के नाम के पीछे कितनों से लड़ लिया, कितनों से लड़ लिया, कितनों कितनों से, कितनों से लड़ लिया? क्या अशोक जी एक दो तीन, तीन तो है ही, जन्म से ही आपका नाम अशोक था? जन्म से कहाँ लिख के लाए थे? हैं, गर्भ में निकलते ही नाम लिख के लाए थे कि बोलते आए थे मेरा नाम अशोक अशोक अशोक? जन्म से तो नहीं था ना, जन्म से किसी का कोई नाम नहीं होता। जन्म के बाद आपकी पर्याय को देखकर आपके पर्याय के प्रदाता माता पिता जो जैसा नाम रखते हैं, वही हमने अपना नाम स्वीकार किया। मां जन्म से नाम मिला, माताओं की तो कितनी विडंबना, कितनी दुर्दशा है, एक पर्याय में दो नाम, दो सरनेम और दो स्थान हो जाते हैं, नहीं होते। एक पर्याय में भी हमारा एक नाम साबित नहीं है, वो भी आज मिला, कल नहीं है, कल नहीं था आज है, फिर भी उस नाम के लिए लड़ रहे हैं। मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे श्रीफल चढ़ाने नहीं बुलाया। कई सारों स्थानों पे तो देखते हैं, कई सारे स्थानों पर हम देखते हैं, वह रूट गए गोदा जी, कल से मैं आऊँगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने नितिन दोषी को तो श्रीफल चढ़ाने बुला लिया और हमें तो बुलाया ही नहीं। भाई
जिसका जैसा यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय था वो सामने आ गया। ठीक है, हमें चढ़ाना है वह श्रीफल, अपना श्रीफल ले आओ, चढ़ा दो, काम होगा। नाम लेके निर्माल्य चढ़ाने से अच्छा है हम अपना ले आए और चढ़ा के चले गए, पर नाम नहीं लिया था, क्या करें। श्रीफल चढ़ाने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, क्यों मोदी जी, अलग अलग होते हैं। जहाँ बैठे वहाँ से भी श्रीफल चढ़ सकता है, पर वहाँ से चढ़ते नहीं। लोग कैसे देखे मैं श्रीफल ले आया हूँ था, फिर सामने आके पहले भले ही धर्म सभा कुछ हो, हमें लोग देखने चाहिए। ये हमारा त्याग का दान का भाव नहीं था, ये हमारा दिखावा का भाव था। जो पुण्य श्रीफल चढ़ा के मिलने वाला था वह हमने फोटो खिंचवा के, आजकल तो फोटो का तो ऐसा भूत चढ़ा है क्या बताएं। हाँ, वो कलश खाली भी हो गया फिर भी खड़े, अरे जल्दी खींच फोटो, फोटो खींच रहे, अंजलि भी खाली है, जग भी खाली, फिर भी खड़े। अब महाराज देख रहे हैं, भैया अंजलि भर दे सो हम पी ले पानी या कुछ दे दे सो, बस दो दो फोटो खींच रहे, अब देख रहे हैं क्या है। नहीं, फोटो के लिए मत जियो, चित्रों के लिए नहीं मत जियो। चित्र तो आज है, कल दीवार से उतर जाएंगे। चित्र तो माँ आज है, कल दीवार से निकल जाएंगे। मोबाइल से भी कब निकल जाएंगे, कब करप्ट हो जाए डाटा, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वह चित्र तो जा सकते हैं, पर चित्त पर ऐसा प्रभाव श्रद्धा का हो, देव सास गुरु का हो, जहाँ से कोई निकल ही नहीं पाए। क्योंकि चित्र तो दीवार पर भी टंगते हैं और कार्यक्रम हो जाने पर कहाँ लगते हैं, सबको पता है। जहाँ नहीं लगने चाहिए वहाँ उसके ही पार्टीशन भरते, उससे आड़ होती है। चित्रों से नहीं, चित्तों से कल्याण होगा। नाम चित्र ये इस लोक और परलोक दोनों को नष्ट करने वाला है, पर तुम्हारे भाव तुम्हारा चित्त इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण करने वाला है। इसलिए इस लोक को, इस क्षण को और परलोक को सबको संभालने का प्रयास करें। समय आपका इस श्लोक का तो हो ही गया है, अब उज्जैन के लोक का, क्योंकि यहाँ लोक प्रसिद्ध है ना, इस लोक का पता नहीं क्या होगा। सोचे समझे और विचार करें। देखते देखते चंद दिन मात्र शेष बच रहे, अब दिनों के घंटों में आएंगे, मिनटों में आएंगे और फिर सब समाप्त। समाप्त होने के पहले हम अपने विषय कषायों को, राग द्वेष को समाप्त करने का प्रयास करें, नहीं तो समय तो समाप्त होगा ही और आपको भी समाप्त करेगा ही करेगा। वो समाप्त करने से पहले हम राग द्वेष विषय कषायों को समाप्त करें तो कल्याण हो सकता है। मिलते हैं कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।